नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं हम आज ये दुकान का ये कटरा है, उसको उसका हम ज़मीन बना रहे हैं। और देख सकते हैं वीडियो में जगह जगह हम लोग यहाँ पे पाइप लेवल से सूत लगा के ठीक कर लिए हैं ताकि पानी नहीं रुकने पाए। और देख सकते हैं हर कोना में हम पाइप लेवल रख लिए हैं ताकि उससे क्या होता है कि जैसे कि आपका पानी कहीं नहीं रुकना चाहिए और ज़मीन का जो लेवल है आगे की तरफ में आपका ढार रहे। इस हिसाब से हम इसको ज़मीन का नापी आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए तीर के निशान हम लगा लिए हैं, यहाँ पे हम रखे हैं 23.5 सेंटी। और इसके बाद देख सकते हैं इधर में भी हमने दागी लगा लिया है। और देख सकते हैं यहाँ वीडियो में यहाँ पर भी हम लोग रख लिए हैं, ये तीर के निशान रख लिए हैं, मार लिए हैं। इधर में भी हम हमारा हो गया है लेवल और इधर में भी हम लेवल चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर भी 23.5 सेंटी है और उसी हिसाब से हम अपना ज़मीन बाज रहे हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ 25 रख लिए हैं। 25 रखने से क्या वहाँ पर मतलब 24 है, इधर इधर आपका है 25, तो उससे क्या होता है कि आपका यहाँ इस कोने से उस कोने तक जहाँ आपको पानी निकालना है वहाँ 1 सेंटी के ढार दे दिए हैं ताकि जो आपका फर्श जब बने तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पानी कहीं नहीं रुकने पाए। ऐसे ही जब भी आप ज़मीन बनाएं तो आप पहले पाइप लेवल चारों तरफ मार्किंग कर लें, उससे क्या होता है कि आपका जो ऊपर नीचे होता है वो नहीं होगा आपका।